बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पटना में एनटीपीसी और आरआरबी के परिणाम में धांधली को लेकर लगातार जो स्टूडेंट थे वो धरना पर थे। और बता दें कि कल देर रात 10 बजे तक राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट थे वहां एकत्रित होकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे रेलवे के खिलाफ। लेकिन तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रशासन द्वारा बलपूर्वक उन्हें वहां से हटाया गया, लाठी चार्ज किया गया, बद्दी बद्दी गालियां दी गई। तस्वीर देखिए किस तरीके से एक स्टूडेंट को पुलिस पकड़े हुए है और बद्दी बद्दी उन्हें मां बहन की गालियां दे रही है। कई शर्मनाक तस्वीर कल निकल कर सामने आई, कल देर रात पुलिस बल द्वारा उठाया गया। ये इतना ही नहीं, आंसू गैस के गोले तक दागे गए। अब मजबूरन छात्र को वहां से हटना पड़ा। पटना डीएम एसपी तमाम पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और किसी भी तरह उन्हें वहां से ट्रैक को खाली कराना था और उन्होंने खाली करा दिया। गालियां भी दी गई, मां बहन की गालियां बद्दी बद्दी दी गई। तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, देखते रहे बयान उसका। भगवान कसम किसी को नहीं मारे नहीं कुछ किए प्लीज सर, अकेला भी नहीं मारे सर, कभी गलती से भी सर आपको शान मार दीजिए सर, हमको हम नहीं कुछ ये देखिए यहाँ पर पुलिस के द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह खोज मौजूद है यहाँ पर और प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से अब 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था और अब यहाँ से प्रशासन के द्वारा यहाँ से हटाया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों को। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, उधर से पत्थरबाजी भी हो रही है। ऐसे में ये एक काफ़ी चैलेंजिंग काम है प्रशासन के लिए यहाँ से इन्हें हटाना। ये देखिए यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि आंसू गैस छोड़े गए हैं।